नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी एग्जाम पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको होता है कि यूपी टेट की तैयारी इस चैनल पर आपको लगातार करवाई जा रही है। इसके पहले मैंने आपको हिंदी के वीडियोस, बाल विकास की वीडियो दे रखे हैं और आपको पता है कि टो सीरीज़ से मैं आपको इस समय करवा रहा हूँ और टो सीरीज़ का जो पहला प्रैक्टिस सेट है हिंदी मैं करवा चुका हूँ और आज के इस वीडियो में मैं बाल विकास करवाने वाला हूँ। तो हिंदी का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट दिया गया है, तो प्लेलिस्ट जाकर के देखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है तो सारे के सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और चाहे हिंदी हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे गणित हो, चाहे इंग्लिश हो, सब कुछ आपको मिलेगा, वो प्लेलिस्ट में सब कुछ अपडेट हो जाएगा, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जाम के पहले एक बार आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है बाल विकास तथा शिक्षण विधि से, वो ये रहा कि भैया संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है भाई, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो आपके वंशानुक्रम होते हैं, स्वास्थ्य, थकान होता है, पारिवारिक वातावरण होता है, इसके अलावा आपका आर्थिक स्थिति होती है, सामाजिक स्वीकृति होती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए मेल खा रहा है, पारिवारिक वातावरण, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई एक औसत बुद्धि वाले बच्चों को यदि भाषा को पढ़ने में कठिनाई प्रदर्शित हो रही है तो यह क्या संकेत है। भाई एक औसत बुद्धि वाले बच्चे को यदि भाषा को पढ़ने में कठिनाई प्रदर्शित हो रही है तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये डिसलेक्सिया का संकेत होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर, डिसलेक्सिया बेसिकली होता क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यहाँ पर कौन सा है। तो भैया वृद्धि और विकास, अभी मैंने आपको संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया, अब याद रखिएगा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो भी आपके वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा, प्रकाश, यौन विभेद, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग व चोट, बुद्धि, पारिवारिक स्थितियाँ और संस्कृति, ये सारे होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो वंशानुक्रम वो इसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अगर हम बात करते हैं भाई उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में, तो भैया इसका जो प्रतिपादक है, इसके प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं। कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम मैंने बता दिया, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो भैया बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा इसका प्रतिपादन जो है 1960 ईस्वी में हुआ था और फिलिप बर्नर्ड ने किया था। किसने दोस्तों? फिलिप बर्नर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बुद्धि सीखने की एक योग्यता है, ये किसका कथन है। भाई जो बुद्धि है वो सीखने की एक योग्यता है, ये बताना आपको किसका कथन है। तो याद रखिए दोस्तों ये जो कथन है बकिंघम का है। किसका दोस्तों? बकिंघम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पियाजे। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर है। तो याद रखिएगा दोस्तों पियाजे के अकॉर्डिंग नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर होते हैं, एक आपका नैतिक यथार्थता, एक आपका नैतिक समानता, एक आपका नैतिक सापेक्षता। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो नैतिक सापेक्षता है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो दो चीज़ें और बताएं इसको भी याद रखिएगा, नैतिक समानता और नैतिक यथार्थता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो ध्यान से देखिएगा, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई शिक्षा पद्धति है, बताइए सर। इसका दोस्तों पीडीएफ आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, स्पेशली यूपी टेट के लिए, सीटेट के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बनाया गया है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा और भी स्टडी मटेरियल और ये जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो भैया क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर जिसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी ने शिक्षा की, याद रखिएगा यहाँ पर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित जो शिक्षा पद्धति है वो आपका मॉन्टेसरी पद्धति है। कौन सी दोस्तों? मॉन्टेसरी। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहां पर क्या कह रहा है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहां पर कह रहा है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा इसके जो प्रतिपादक है वो हरमन रोसा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, रचना के शरीर की शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को लंबकाय या कृशकाय, सुडोलकाय या पुष्टकाय और गोलकाय का स्थूल गोलकाय या स्थूलकाय में किसने विभक्त किया है।
बेसिकली शरीर की जो रचना है उसके आधार पर व्यक्तित्व को लंबकाय या कृशकाय, सुडौलकाय या पुष्टकाय, गोलकाय या स्थूलकाय में किसने विभक्त किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रैश्मर ने, किसने दोस्तों? क्रैश्मर ने इनको विभक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये टोटल तीन प्रकार के भाग हैं, इनमें इन्होंने विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आदर्शवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करना था। क्या था दोस्तों? व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, विद्रोह की भावना बालक और बालिकाओं में सामान्यतः किस अवस्था में प्रतीत होती है? तो भैया विद्रोह की अगर हम भावना की बात करते हैं तो ये जो भावना है बालक और बालिकाओं में सामान्यतः, याद रखिएगा दोस्तों, ये बेसिकली आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। क्लियर है? तो किशोरावस्था में प्रतीत होती है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्रोह की भावना का विकास, मैत्री भावना का विकास, समूह के प्रति भक्ति, समूह का निर्माण, सामाजिक गुणों का विकास, ये सारी जो भावनाएं होती हैं किशोरावस्था में ही प्रतीत होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए सर, बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक क्या नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर निर्माण प्रक्रिया, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निर्माण प्रक्रिया जो है वो बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए सहायक नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो अगर हम बात करते हैं किंडरगार्टन विधि के बारे में तो इनके जो जनक है वो फ्रोवेल हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, पियाजे के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है, यानी कि जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में दोस्तों बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या होता है, 2 वर्ष से प्रारंभ होकर के 7 वर्ष तक ये चलती है। क्लियर है? 2 वर्ष से प्रारंभ होकर के 7 वर्ष तक चलती है। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। तो याद रखिएगा, समावेशित शिक्षा द्वारा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा जो होती है, इसका मतलब क्या होता है, विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य क्या होता है, सभी बच्चों जिसमें निःशक्त बालक भी शामिल होते हैं उन सभी को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सुनने में जो अक्षम यानी कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनकी शिक्षा में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सुन नहीं पाते हैं उनको उन बालकों की शिक्षा में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, उनके लिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो कौन सा है सर, सांकेतिक भाषा या जोर जोर से बोलकर या गाना गाकर। आप लोग ऑप्शन से ही टिक कर सकते हैं भैया, सांकेतिक भाषा का। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 कह रहा है, थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्यतः कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्यतः कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? तो याद रखिए, अगर थॉर्नडाइक की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने टोटल कितने नियमों का, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 नियम का। कितने नियम का दोस्तों? 3 नियम। कौन कौन से नियम हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम के टोटल जो 3 मुख्य नियम हैं उन्होंने यही किए थे। तो ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझना, व्याख्यान, मौलिकता आदि जो है कैसे बालकों के गुण होते हैं, बताइए सर। जो समझना है और व्याख्यान है, मौलिकता है, ये आदि जो है बेसिकली कैसे बालकों के गुण होते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है बेसिकली ऐसे बालकों के गुण हैं जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 130 से अधिक होती है। कितनी अधिक होती है भाई? 130 से अधिक होती है। ये प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं। और ऐसे बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, सकारात्मक सोच इनकी होती है, ये धैर्यवान होते हैं। और ऐसे बालकों को बेसिकली, ऐसे जो बालक होते हैं वो तथ्यों को समझ कर मौलिकतापूर्ण व्याख्यान देना उसका पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
प्रतिभाशाली, जो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी पर हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। भाई अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक की बात हो रही है, तो याद रखिएगा इसके जो बेसिकली बहुत सारे कारण होते हैं, अधिगम की प्रक्रिया के कई कारणों से प्रभावित हो सकते हैं, जैसे आपका पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, सीखने की विधि, वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य, प्रशंसा यानी कि पुरस्कार, निंदा, दंड देना, अभिप्रेरणा, ये सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, और भी जो हो सकते हैं मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया संकेत अधिगम क्या सिखाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकेत अधिगम जो है आपको क्या सिखाता है, सभी को जवाब देते हुए चलना है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं संकेत अधिगम के बारे में, तो ये जो है आपका क्या सिखाता है, पारंपरिक अनुकूलन, तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो कई चरणों से प्रभावित हो सकती है, तो यहाँ पर संकेत अधिगम जो है ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर, संकेत अधिगम क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सृजनशील बालक की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है। बताइए सर, सृजनशील बालक की विशेषता निम्न में से कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऐसे बालक जो स्वयं की प्रेरणा से तथा नए विचारों के साथ किसी नई वस्तु का सृजन करते हैं वह सृजनशील बालक कहलाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कौन सा विशेषता नहीं है, तो भाई जो सृजनशील बालक होगा वो बेसिकली क्या होगा, उसके पास कल्पना होगी, जिज्ञासा होगी, मौलिकता भी होगी, लेकिन क्रोधी स्वभाव का नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि अधिगम की अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। शायद इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि अधिगम का जो अनुकूलित क्रिया सिद्धांत है, अनुक्रिया सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन वैज्ञानिक इवान पी पावलव द्वारा किया गया है। किसके द्वारा भाई, इवान पी पावलव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी पर हम लोग टिक कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। अभी मैंने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पूरा डिटेल में बताया, तो बताइए सर समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है। तो याद रखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, भाई समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, भेदभाव रहित शिक्षा। बेसिक्स आप समझ लो, समावेशी शिक्षा का जो सिद्धांत है वो आपका भेदभाव रहित शिक्षा है, और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक की यह अनिवार्य जिम्मेदारी होती है कि वह कक्षा में ऐसे वातावरण का विकास करे जिससे सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सीख सकें तथा स्कूल व कक्षा में सक्रिय भागीदारी कर सकें। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है टीचरों के ऊपर, तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। 25 का सभी लोग जवाब दीजिए सर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 25 है। फटाफट सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए, विशेष या विशिष्ट जो बालक होते हैं उनके प्रकार होते हैं, आपके अंधे बालक हो सकते हैं, बहरे बालक हो सकते हैं, कम सुनने वाला बालक हो सकते हैं, दृष्टि दोष से पीड़ित बालक हो सकते हैं, तुतलाते हैं जो हकलाते हैं यानी कि वाणी दोष हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो सामान्य या छोटे बालक होते हैं ये श्रेणी में नहीं आते हैं, ये सारे के सारे आपके विशेष बालक की आवश्यकता में आ जाएंगे, विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में आ जाएंगे, बट छोटे बालक की श्रेणी में नहीं आएंगे। क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कि त्रिआयामी आकृतियाँ किन बालकों की पढ़ाई के लिए उपयोगी हैं। त्रिआयामी यानी कि 3D आकृतियों की बात हो रही है, तो ये किन बालकों के लिए आवश्यक है, फटाफट सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। तो याद रखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, तो त्रिआयामी आकृतियाँ जो होती है वो दृष्टिबाधित जो आपके बेसिकली जिनको दिखाई कम पड़ता है उनके लिए, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, देखिए क्या कह रहा है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। बताइए सर, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वुंड हो जाएगा। कई बार बता रखा है जो वुंड है इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, 28 नंबर कि विकलांग शब्द को बदल कर
क्या कर दिया गया है भाई, विकलांग शब्द जो है उसको बदल कर क्या कर दिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, दिव्यांग, अपाहिज या तेजस्वी। फटाफट सभी लोग सोचेंगे तो याद रखिएगा, विकलांग शब्द को बदल करके दिव्यांग कर दिया गया। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है या किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से होता है। बताइए, बालक जो है शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है या किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से होता है। तो भाई ये बेसिकली किससे होगा, अगर वो चलना सीख रहा है, अपने अंगों को हिलाना सीख रहा है, सब कुछ यहाँ पर करना सीख रहा है, तो ये बेसिकली याद रखिएगा ये आपका संचालन जो है आपका गत्यात्मक, किस प्रकार के अधिगम से दोस्तों, गत्यात्मक। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि सुनने की क्षमता जो है किससे मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का सभी लोग जवाब दीजिए। सर सुनने की जो क्षमता है बताइए किससे मापी जाती है, सभी लोग को जवाब देना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सुनने की क्षमता होती है वो बेसिकली मापी जाती है डेसीबल में, सबको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो भैया इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो PDF के लिए वहाँ पर जरूर जुड़िएगा। और इसी तरह से आपकी अभी यूपी टेट, उसके बाद यूपी टेट 2020, सी टेट 2020 सबकी तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग तैयारी ऐसे ही करते रहेंगे। तो भैया अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।